उत्तर प्रदेश सरकार एक और प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रदेश में बहन बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव से सामने आया है, जहां एक किशोरी के साथ दो युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने बताया कि वे लोग मेला देखने गए थे, जहां पड़ोस की ही सुशीला नाम की महिला ने उसकी बहन को गोलगप्पे खिलाकर बहन को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। वहीं पर शोएब और चांद मियां ने बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता के भाई ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। हम 13 अक्टूबर को हमारी बहन और हम 4-5 लोग घर से गए थे मेला देखने, तो वहाँ पे सुशीला ने इसको बताशा खिला दिया बोल रही थी। सुशीला तो कौन है? सुशीला हमारे, अरे दो घर छोड़ के तीसरे घर में रहती, पड़ोस में रहती। हाँ, तो उसने खिला दिया तो उसको जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा दिया। दो लड़के थे। लड़के तो कहाँ के थे? लड़के यही तो खाने के थे। क्या नाम है उनके? उनका नाम है तो चांद मियां और एक का नाम है गंजा। हाँ, स्वेब। और उन लोगों ने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया और बहुत गंदा गंदा किया, तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरा मेला देख लिया। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी हमने। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने तो अभी तक कार्रवाई चालू बोल रहे कि कर रहे हैं। पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी मेला देखने के लिए गई थी, वहीं पर शोएब और चांदनिया ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपियों के परिजनों की ओर से अब उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना असीवन पुलिस मामले में लीपा पोती कर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ घटना ये हुई कि कल से गई थी मेला देखने लड़की, और सुशीला और पूतना ये दो औरतें साथ में लेकर गई, और उसकी माँ शीला की ये लेकर गई। 2 घंटे बाद ये कोई चीज़ बताशे में खिला दी, उसके साथ बलात्कार हुआ और कल से थाने में है। आज तक अभी तक भेजा नहीं गया और दबाव बनाया जा रहा कि पैसे लो, सुला करो, न तो मार देंगे। आप लोगों पे कौन दबाव बनाना चाहता है? दबाव यही लोग दोनों घर बना रहे हैं।